उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के नव चयनित अभ्यर्थियों को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र पोर्टल से डाउनलोड और निर्गत कर जिलाधिकारी और महापौर द्वारा वितरित किए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी शैलेन कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि विभाग में काफी लंबे समय से रिक्त चल रहे तकनीकी सहायकों को पदों पर भर्ती प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्ण की गई, जो कि सराहनीय है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी और जवाबदेह ढंग से संपादित की गई है तथा शासन का मंतव्य है कि आधिकारिक योग्य उम्मीदवारों को रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती और सेवा नियोजित किया जाए। उन्होंने नव चयनित अभ्यर्थियों का आह्वान किया और वे अपने कर्तव्यों और दायित्वों का कड़ी मेहनत और लगन निष्ठा के साथ निर्वहन करें। सबसे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, संयुक्त कृषि निदेशक उप कृषि निदेशक सी एल यादव, सिटी मजिस्ट्रेट एम पी सिंह, कृषि अधिकारी ऋतुजा तिवारी और नव चयनित अभ्यर्थीगण आदि उपस्थित थे। पूरे उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग में तकनीकी सहायक का पद काफ़ी समय से रिक्त चल रहा है। पूरे प्रदेश में आज 1863 लोगों को रिक्ति दी गई है और ये अधिनियम सेवा चयन आयोग के माध्यम से दिया गया है और पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया गया। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं रखा गया था, कोई इंटरव्यू दिमाग उसके आधार पर नहीं था। उसी क्रम में आज जनपद स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किया है। महापौर जी और जिला पंचायत मैडम और हमारे सभी अधिकारी उपस्थित थे। जो हमारे जनपद के चयनित कर रहे हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो जो नवनियुक्त हमारे तकनीकी सहायक हैं उनको हम सबको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे एग्रीकल्चर विभाग की कार्यप्रणाली निश्चित रूप से कितने लोगों को पद दिए गए। देखिए अपने जनपद की अगर हम बात करें तो हमारे जनपद में 5 लोगों ने 5 कार्यक्रम।